कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। आज हमने कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स की डेफिनेशन जैसे आपको सामने नजर आ रही है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन रियल नंबर्स कहलाते हैं। नीचे इन रियल नंबर्स की सिम्बॉलिक फॉर्म बताई गई है, क्यू यूनियन क्यू प्राइम इक्वल्स टू आर। क्यू यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर है एंड क्यू प्राइम हमारे पास इरेशनल नंबर है। सो क्यू यूनियन क्यू प्राइम इक्वल्स टू आर मीन्स रियल नंबर्स। नीचे आपके पास रैशनल एंड इरेशनल दोनों की डेफिनेशन बताई गई है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ये है कि पी और क्यू आपके पास दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। पी भी एक इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो, और कि आपके पास q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। नीचे एज एन एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 1/2 और 3/4, ये रैशनल नंबर्स हैं। अगर q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो 1/0, 3/0 आपके पास इनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 1/0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड, 3/0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड मीन्स के किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। सो वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। सिमिलरली वो नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √3, √7, पाई, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास रियल नंबर्स की जो है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। आप देखें कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो होल नंबर्स में मौजूद है, और होल नंबर्स का सेट इंटीजर्स में मौजूद है, इंटीजर्स का सेट रैशनल नंबर्स में मौजूद है, सामने नजर आ रहा है आपको। यानी हर नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में मौजूद होता है, हर होल नंबर एक इंटीजर के सेट में मौजूद होता है, और हर इंटीजर रैशनल के सेट में मौजूद होता है। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में मौजूद है, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के सेट में मौजूद हैं, और सारे इंटीजर्स रैशनल्स के सेट में मौजूद होते हैं। और ये रैशनल नंबर्स जो है वो मतलब कि जो रैशनल नंबर है वो इन तीनों को कंटेन कर रहा होता है। रैशनल नंबर्स का सेट नेचुरल को भी कंटेन कर रहा है, होल को भी कंटेन कर रहा है, इंटीजर को भी कंटेन कर रहा है। और इन अदर वर्ड्स हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है, हर होल नंबर एक रैशनल नंबर है, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास अब ये मेन एक सबसे बड़ा जो सेट है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट बन गया है। अगर हम इसके साथ इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले लें, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स अगर हम इनका यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। नीचे इसी तरीके से सिम्बॉलिक फॉर्म आपको बताई हुई है, एन इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू, यानी नेचुरल नंबर्स जो है वो किस में कंटेन करते हैं, होल में, होल नंबर्स कंटेन करते हैं इंटीजर्स में, और इंटीजर्स कंटेन करते हैं रैशनल नंबर्स में। और नीचे ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, यानी नेचुरल, होल और इंटीजर्स हमारे पास रैशनल में आ जाते हैं। और जब हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखना है कि जब आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल फॉर्म जो है वो तीन तरह की होती है। तीन आपके पास तीनों फॉर्म सामने नजर आ रही है। नंबर वन में आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बताई हुई है, सेकंड में आपको रिकरिंग डेसिमल फॉर्म बताई हुई है, और थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होती है, नंबर्स हैविंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लाइक, वो नंबर्स जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह की हो। जैसे 1/2 को कन्वर्ट किया 0.5, 7/10 को कन्वर्ट किया डेसिमल में डिवाइड करके तो 0.7, और 5/8 को कन्वर्ट किया तो 0.625 आता है। अब ये डेसिमल फॉर्म ऐसी है कि पॉइंट के बाद कंप्लीट आंसर मिल रहा है, यानी कि जो आपकी डिवीजन है वो कंप्लीट हो रही है, आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा पॉइंट लगाने के बाद, आपके पास रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यानी कंप्लीट आंसर है आपके पास 0.5, 0.7 एंड 0.625। तो इस तरह की डेसिमल फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहलाती है, जो आपके पास एक कंप्लीट आंसर हो, डेसिमल के बाद एंड हो रहा हो, जो मतलब नॉन स्टॉप ना हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहलाती है। सेकंड है आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, नंबर्स हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लाइक, अब वो नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होती है
जैसे कि आपको नीचे दिया है 1/3 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.333 अप टू सो ऑन, 5/9 की 0.555 अप टू सो ऑन, और 5/22 की 0.227, मतलब कि 27 का डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, 27 27 27 अप टू सो ऑन, मतलब कि अप टू सो ऑन मीन्स ये एंड नहीं हो रहे, इनका आंसर कंप्लीट नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है इसी तरीके से। तो ये क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा आप देखें सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 333 555 27 27 27, एक में 33 रिपीट हो, 3 का डिजिट रिपीट हो रहा है, सेकंड में 5 का डिजिट रिपीट हो रहा है, थर्ड में 27 का डिजिट रिपीट हो रहा है। तो जहां पे आपके पास कोई पैटर्न बन रहा हो तो वो आपके पास कौन सी डेसिमल फॉर्म होती है, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होती है, यानी कि अब रिपीट होने के लिए एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो आपके पास कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि कोई पैटर्न बनना चाहिए तो वो आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होती है। थर्ड आपको बताई गई है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, इसमें ना तो टर्मिनेशन हो रही होती है, यानी ना तो आपका आंसर जो है वो एंड हो रहा होता है, एंड नॉन रिकरिंग मीन्स ना रिपीट हो रहा होता है, यानी कि सारे के सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। जैसे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जब आप डेसिमल में उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कैलकुलेटर पे, 1.41 4213, सारे डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, ना एंड हो रहा है ना कोई रेपिटेशन आ रही है, एंड नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिकरिंग, सो कंबाइनली हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो तीन तरह की थी, जो खत्म हो रहा हो आंसर टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा हो कोई पैटर्न बन रहा हो रिकरिंग, अगर ना एंड हो रहा है ना रिपीट हो रहा है तो क्या होगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है रिकॉग्नाइजिंग अ नंबर एज रैशनल और इरैशनल नंबर, आपको कोई नंबर्स दिए जाए आपने देखना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है, तो आप कैसे देखेंगे, फर्स्ट है आपके पास 1/5, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको फ्रैक्शन है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद ये आप बता सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी है, और उसकी डेसिमल फॉर्म की बेस पे आप ये बताएंगे ये रैशनल है या इरैशनल है। तो सबसे पहले 1/5 को डिवाइड किया आपने, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गई 0.2, ठीक है। अब 0.2 आपने पीछे जो तीन टाइप्स पढ़ी है उनमें से कौन सी टाइप है, क्या टर्मिनेटिंग है, क्या रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तीनों में से कौन सी है, तो सामने नजर आई है इसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है। तो जब आपके पास डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आए किसी भी नंबर की, तो वो नंबर क्या होता है, लाजमी रैशनल नंबर होता है, हर वो नंबर जिसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी वो रैशनल नंबर होगा। सेकेंड पार्ट 1/3, इसको जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.3333 अप टू सो ऑन। अब ये कौन सी डेसिमल फॉर्म है, यानी कि 3 का डिजिट रिपीट हो रहा है, पैटर्न बन रहा है, यानी कि ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो जब आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आएगी, कोई पैटर्न बन रहा होगा, तो वो नंबर लाजमी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। एंड और होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी तब भी रैशनल होगा, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होगी तब भी वो नंबर रैशनल ही होगा। तो नीचे आपको लिख के बताया गया नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें एक और थर्ड फॉर्म है, जैसे स्क्वायर रूट्स में आपके पास जितने भी नंबर हैं उनको जब आप कैलकुलेटर पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डेसिमल में उनको कन्वर्ट करते हैं, हर वो नंबर आपके पास स्क्वायर रूट वाला हर नंबर जो है वो आपके पास रैशनल होगा, सिवाय उन नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, मतलब जिनको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर स्क्वायर रूट के अंदर 9 हो तो 9 3 का स्क्वायर बनता है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे, बल्कि इसके अलावा जो बाकी सारे नंबर्स हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, या जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर वो नंबर्स आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इरैशनल होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट 3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे सामने नजर आ रहा है उसकी वैल्यू आई है 1.732050808076 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से आपने अंडर रूट 7 की वैल्यू फाइंड की तो वो भी 2.645751311 अप टू सो ऑन। ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल फॉर्म इसकी क्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो ऐसे नंबर्स जिनकी जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो वो आपके पास इरैशनल नंबर्स होते हैं। इन शॉर्ट कंक्लूजन, ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हुई तो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आ गई तो वो भी आपके पास रैशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग
डेसिमल फॉर्म हुई तो वो इरेशनल। इरेशनल का सिर्फ एक ही केस है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो ही इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग हुआ तब भी रैशनल और रिकरिंग हुआ तब भी रैशनल होगा आपके पास। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऊपर नंबर्स आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हुए और इन नंबर्स से रिलेटेड आपके पास 10 क्वेश्चंस किए गए हैं, ठीक है। तो हमने अब उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन किया गया है व्हाट आर होल, व्हिच आर होल नंबर्स, जो ऊपर जितने नंबर्स आपको दिए गए इनमें से कौन कौन से होल नंबर्स हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स का सेट 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन है। सो अब आपने ये देखना है ऊपर गिवन नंबर्स में से कौन से जो है वो आपके पास होल नंबर्स हैं। तो अब 2.5, अब होल नंबर्स के सेट में ना तो डेसिमल वाले आते हैं, ना फ्रैक्शंस आती हैं, ना नेगेटिव नंबर्स आते हैं, सिंपली जीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरह के आपके पास ऊपर वाले नंबर्स में आपके पास कितने नंबर्स हैं, एक तो फर्स्ट नंबर 3 आ गया, उसके आगे अगर स्क्वेयर रूट 36 को सॉल्व करें तो आपको आंसर 6 मिलता है और 6 एक होल नंबर है। और उसके बाद आपके पास कौन सा नंबर है, सिंपली 1। तो ये तीन आपके पास यहाँ पे होल नंबर्स हैं, 3 अंडर रूट 36 एंड 1 आर होल नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन है विच आर इंटीजर्स। सो आपने सबसे पहले इंटीजर्स का सेट देखना है, 0, ±1, ±2, ±3, मतलब 0 भी एक इंटीजर है। पॉजिटिव नंबर्स यानी +1, 2, 3 और नेगेटिव -1, -2, -3 यानी सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 इंटीजर्स का सेट है। लेकिन इस सेट में भी आपने फ्रैक्शंस नहीं लेनी, देखो फ्रैक्शंस नहीं है जो है और डेसिमल नंबर्स नहीं है। सो डेसिमल और फ्रैक्शंस के अलावा जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 इसमें इन्वॉल्व है। तो आपने ऊपर नंबर्स में देखने हैं कौन से नंबर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 है। तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, एक वो आपके पास इंटीजर्स कहलाएंगे। सो ऊपर वाले नंबर्स में पहला नंबर 3 इंटीजर्स में आ रहा है, उसके आगे वो ये अंडर रूट 36 आ रहा है, वो बेशक ऊपर आपके पास होल नंबर्स में हो रहा है लेकिन ये इंटीजर भी तो है ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था होल नंबर्स के जो है वो सारे के सारे इंटीजर्स भी होते हैं, क्योंकि होल नंबर का सेट इंटीजर्स के अंदर कंटेन करता है। सो नंबर्स आप रिपीट कर सकते हैं क्योंकि थ्री एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। सो यहाँ पे 3 पहला नंबर आ गया अंडर रूट 36, फिर यहाँ पे एक -9 है क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड होता है, और उसके बाद 1, ये आपके पास इंटीजर्स आ गए। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, विच आर इरेशनल नंबर्स। तो आपको बताया था इरेशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, एक और पहचान बताई थी इरेशनल नंबर्स की, जिनकी डेसिमल फॉर्म नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, यानी जिसकी डेसिमल फॉर्म अगर हम देखें तो वो टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिकरिंग भी नहीं है, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। पाई की वैल्यू 3.14285714 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, अंडर रूट 3 की भी ऐसी है, अंडर रूट 7 की भी ऐसी है और -√14 की भी ऐसी है। सो ये पाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 14 हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स, तो ये चार आपके पास इरेशनल नंबर हैं। अगली स्लाइड है विच आर नेचुरल नंबर्स। तो सिंपली नेचुरल नंबर्स में तो सिर्फ 1, 2, 3 अप टू सो ऑन आते हैं, तो आपके पास नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 3 अंडर रूट 36 एंड 1 है। उसके बाद आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। सो रैशनल नंबर्स में अब पहला डिजिट आपने देखा, पहला नंबर आपके पास जो गिवन था 2.5 था, 2.5 देखो ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, और कौन सी डेसिमल फॉर्म है ये सामने आपको नजर आ रहा है, 2.5 एक कंप्लीट आंसर है ना, एंड हो रहा है, प्लस ऑन तो नहीं है, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। नेक्स्ट 3 है। अब 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और आपको पीछे फिगर के जरिए बताया गया था हर नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। सो 3 इज रैशनल। उसके बाद अगला है -1.96, ये भी डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रही है। सो -1.96 ये कौन सी डेसिमल फॉर्म है, 6 के बाद एंड हो रहा है ना, अप टू सो ऑन तो नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, और जब भी आपके पास डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी तो वो नंबर क्या होगा, रैशनल होगा।
आगे अंडर रूट 36 को सॉल्व करो, 6 आता है और 6 एक नेचुरल नंबर है और यू नो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सो इसका मतलब हुआ 36 भी एक रैशनल नंबर है। हम वन बाय वन सबको रैशनल के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अब यहाँ पे आपके पास सामने वो नंबर्स लिखे हुए थे जो रैशनल हैं। नेक्स्ट 5/7 था, 5/7 को जब हमने ये डेसिमल में आपको नहीं दिया हुआ था, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.14285, 5 के बाद ये आगे से रिपीट हो रहा है 7142 85, फिर 7143, ये 3 राउंड ऑफ करके लिखा गया है। हालांकि अगर जब आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7142 85 7142 85 7142 85, ये वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सो ये मिस्टेकनली यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म लिखा गया है, जबकि ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है क्योंकि पैटर्न बन रहा है आपके पास, क्योंकि 7142 85 के डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सो इट मीन्स जब आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो तो वो नंबर भी क्या होता है, रैशनल होता है। नेक्स्ट है -7/6 आप डिवाइड करेंगे -1.1666 का डिजिट रिपीट हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो गई, तो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो तो वो नंबर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट पे जाएंगे, अगला नंबर है आपके पास -9। -9 एक इंटीजर है और हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। अगला 1 एक नेचुरल नंबर है और हर नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, आप कर चुके हैं। आगे आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये 4.666 अप टू सॉन दे रहा है। अब ना ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट देखें तो 6 का डिजिट रिपीट हो रहा है, 666, तो पैटर्न बन रहा है, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। सो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो तो वो आपके पास नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है 0.333, ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म दी हुई है आपको, तो जब 3 का डिजिट रिपीट हो रहा है, पैटर्न बन रहा है, सो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। अब जितने भी नंबर जो है वो रैशनल आए हैं तो आपने नीचे के सारे लिख दिए 2.53, ये सारे के सारे हमारे पास क्या नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स थे, बट आर रियल नंबर्स। अब आपसे ये पूछा गया है तो अभी तो यहाँ पे स्लाइड में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है, एस यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, कि रैशनल में आपके पास रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल भी सारे के सारे आ जाते हैं और इरेशनल भी सारे के सारे आ जाते हैं। तो पिछले पार्ट्स में आपने ये अभी ऊपर वाले पार्ट में आपने रैशनल नंबर्स सारे फाइंड किए थे और अगले पार्ट में आपने इरेशनल नंबर्स फाइंड किए हैं, तो इन सबको मिला लें तो आपके पास सारे नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो आ जाएंगे, तो वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फ्रॉम पार्ट 3 इरेशनल नंबर्स आर, पार्ट नंबर 3 में आपने इरेशनल नंबर्स फाइंड किए थे पाई √3 √7 एंड −√14, और पार्ट नंबर 5 में आपने रैशनल नंबर्स फाइंड किए थे जो अभी ऊपर वाला पार्ट आपने किया। मैंने सारे ऊपर पार्ट नंबर 3 के इरेशनल नंबर्स भी लिख दिए और पार्ट नंबर 5 के रैशनल नंबर्स भी लिख दिए। अब जब मैं दोनों को मिला दूंगी तो दोनों को मिलाने से मेरे पास वो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे जो ऊपर क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल है। बाय टेकिंग यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स वी गेट ऑल गिवन नंबर्स, के ये जो ऊपर दो आपको लाइंस में नंबर्स लिखे रैशनल और इरेशनल नजर आ रहे हैं, इनको मिलाने से सारे के सारे नंबर्स आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन वाले, तो इट मीन्स ये सारे के सारे क्वेश्चन वाले नंबर्स क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए। विच आर रैशनल बट नॉट इंटीजर्स, अब वो नंबर्स कौन से हैं जो रैशनल हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं है। अगले 2-3 पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन आपको किया गया है कि आप वो बताएं नंबर्स, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है विच आर रैशनल, वो नंबर्स जो रैशनल हो बट नॉट इंटीजर्स, लेकिन इंटीजर ना हो। तो सबसे पहले अब रैशनल तो हो ना, तो अब आपने पार्ट नंबर 6 ऊपर वाले एक पार्ट में आपने रैशनल नंबर्स फाइंड किए हैं, तो अब वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे। फ्रॉम पार्ट 5 आपने नीचे सारे के सारे रैशनल नंबर्स लिख दिए इस लाइन में 2.53 -1.96, उसने कहा था आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो रैशनल तो हैं, तो हमने सारे रैशनल नंबर्स लिख दिए बट नॉट इंटीजर्स, लेकिन वो इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो अब ये जो आपने रैशनल नंबर्स लिखे हैं इनमें से इंटीजर्स को काट दें, तो सामने मैंने कटिंग की हुई है 3 √36 -9 और 1, ये इंटीजर्स हैं तो मैंने इनको काट दिया। इनको काटने के बाद जब नीचे जो बाकी बच गए हैं वो आपके पास आपने वो नंबर नीचे लिख देने हैं 2.5 -1.96 से लेकर 0.33 तक। अब जो नीचे बच जाने वाले नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो रैशनल तो हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं हैं।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास, विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। अब आपने देखा उसने कहा है विच आर इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हो, तो जिन नंबर्स के बारे में कहा गया है कि वो हो, तो वो आपने लिखने हैं उस पार्ट से लेके। अब आपने उसने कहा है कि विच आर इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हो, तो हमने पार्ट नंबर सेकंड से इंटीजर्स लिए। पार्ट नंबर सेकंड में आपने इंटीजर्स फाइंड किए थे अंडर रूट टू, अंडर रूट 36, माइनस 9 और 1, ये आपके पास इंटीजर्स थे। अब ऊपर क्वेश्चन में उसने कहा है नॉट होल, होल नहीं होने चाहिए, तो आप इनमें से वो नंबर जो होल है वो काट दो। तो 3, अंडर रूट 36 और 1 आपके पास होल नंबर में भी आते हैं, तो मैंने ये काट दिया। जो बाकी बच गए वो क्या है आपके पास, माइनस 9 इज द इंटीजर विच इज नॉट होल। सो बचने वाला आपके पास एक ही डिजिट था, माइनस 9। सो माइनस 9 वो नंबर है, वो एक इंटीजर है जो होल नहीं है। उसके बाद अगला पार्ट है विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स जो इंटीजर्स तो हैं लेकिन नेचुरल नहीं है। तो आपने इंटीजर्स देखने हैं कि इंटीजर्स लिखने हैं पहले, विच आर इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हैं। अब कौन से पार्ट में आपने इंटीजर्स फाइंड किए थे, पार्ट नंबर 3 में, तो पार्ट नंबर 3 से देख के आप सारे के सारे यहाँ इंटीजर्स लिखें, तो आपने इंटीजर्स लिख दिए, ठीक है। अब उसने कहा बट नॉट नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये वो नंबर्स इंटीजर्स तो होने चाहिए लेकिन नेचुरल नहीं होने चाहिए। तो अब इनमें से जो नेचुरल है वो आप काट दें, 3, अंडर रूट 36 और 1 आपके पास नेचुरल है, वो हमने काट दिए। तो फिर हमारे पास सिर्फ माइनस 9 ही बच गया। सो माइनस 9 इज दैट इंटीजर विच इज नॉट नेचुरल। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। अब आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो रियल नंबर्स हैं। तो आपने पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में किया था कि आपके पास ये आया था कि आपको क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे रियल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया वो नंबर्स जो रियल तो हों लेकिन इंटीजर ना हो। अब उसने कहा रियल होने चाहिए, तो जाहिर बात है क्वेश्चन वाले सारे नंबर्स रियल थे, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वाले सारे नंबर्स लिख दिए, बट नॉट इंटीजर्स, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। अब इन नंबर्स में जो जो इंटीजर्स है ना उनको काटते जाए, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं की हुई, आपको जो है वो काटते जाएंगे। आप देखेंगे कौन किसको काटना है, इंटीजर्स को काटना है। तो पहला नंबर 3 आपके पास इंटीजर है, उसके बाद अंडर रूट 36 इंटीजर है, थर्ड नंबर पे माइनस 9 इंटीजर है, उसके बाद 1 इंटीजर है, ठीक है। ये 4 इंटीजर्स हैं। तो आप इन चारों को काट देंगे तो जो बाकी बचेंगे वो आपके पास वो नंबर्स होंगे, रिमेनिंग आर रियल बट नॉट इंटीजर। सो इन 4 के अलावा जो बाकी बच गए हैं वो सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रियल तो हैं लेकिन इंटीजर्स